ये बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी एमपी सिंह जी, बताइए, सवाल करिए। हाँ, हमारा एज 62 है। ठीक है। और हमको शुगर का प्रॉब्लम है बहुत दिनों से। दिनों से या सालों से? सालों से, सालों से। कितने साल से? ये तो 7-8 साल हो गई। ठीक है, ठीक है। देखिए शुगर के, जी जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं तो जल्दी बताइए। हाँ तो ये तो अभी दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी बढ़ जाता है, तो हम सोच रहे हैं देसी दवा अगर खाने को मिल जाती तो अच्छा रहता। वाली दवा खाइए, ये बहुत अच्छी दवा है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, होता क्या है कि हमारी शुगर हो गई और डॉक्टर ने एक दवा लिख दी और हम वो खाना शुरू कर देते हैं, फिर कभी और परेशानी हुई, फिर चेक कराई तो मालूम हुआ और बढ़ गई, तो डॉक्टर ने और हमारी दवा बढ़ा दी। ये तरीका नहीं है, एक ही दवा खाते रहें और वो शुगर ना बढ़े और आपको नुकसान ना हो। जब ज़्यादा दवाएं खाते हैं तो डॉक्टर भी डरने लगते हैं कि इनको जो नुकसान होंगे, तो फिर वो इंजेक्शन देने लगते हैं, क्योंकि पेट तो एक हद तक ही कोई दवा कबूल कर सकता है, वरना पेट खुद तकलीफ़ में आ जाता है, फिर इंजेक्शन देने लगते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और इन दवाओं के भी बड़े नुकसान होते हैं, हमारी जिस्म को तोड़ कर रख देते हैं, हमारी किडनी को फोड़ कर रख देते हैं, और हमारी आँखों को, हमारे दिल को, हमारे लीवर को बड़ा नुकसान पहुँचता है, हमारी आँतों को, हमारे मैदे को। तो एक ऐसी दवा शुगर वालों के लिए एक तोहफा है, वो है जैतून का सिरका। 3 चम्मच रात को सोते वक्त पानी में मिलाकर पिया करें और आप सारी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजार सकते हैं। किसी को एक बार लेने की ज़रूरत पड़े, किसी को दिन में 2 बार भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देता और आपके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसे दवाएं नुकसान देती हैं उनसे बड़ी सुरक्षा करता है। जी बरेली से अगले कॉलर हैं प्रदीप हमारे साथ, स्वागत है प्रदीप जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदाब। अकीम जी को नमस्कार। जी आदाब प्रदीप जी। हाँ मैं सर ये बोल रहा था, मेरे मेरे को एक्जिमा हुआ था पहले। तो एक्जिमा हुआ, कुछ दवाइयाँ वगैरह होम्योपैथिक वगैरह ली तो ठीक हो गया, अब उसके बाद दोबारा फिर से कभी कभी होने लगा। ठीक। एक्जिमा के लिए गॉन मोरिंगा आता है, एक सफ़ेद किस्म का रॉ मटेरियल खरीद लें और 0.5 ग्राम रोज़ाना पानी मिलाकर खाया करें, पी लिया करें, इससे आपका एक्जिमा शांत होना मुमकिन है। तो देखिए बहुत आराम से और बहुत सरलता से आप ये नुस्खे बना सकते हैं, बस जल्द से जल्द बना लीजिए, इसका सेवन कीजिए, फिर जो परेशानी दोबारा से आपके साथ शुरू हो गई है वो परेशानी जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सब्र वालों के लिए ये ट्रीटमेंट है दर्शकों, आप लोग अगर हड़बड़ी मचाएंगे, जल्दबाजी करेंगे और परहेज़ नहीं करेंगे तो देखिए हम लोग इसके ज़िम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग ख्याल नहीं रखते हैं बातों का, आप लिखते नहीं हैं या फिर आप लोग बस सुनकर संतोष कर लेते हैं। ये सारी बातें अगर आप लोग करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और एक एक बात को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, कैसे आपको नुस्खे बनाने हैं, कैसे परहेज़ करने हैं, कितने ग्राम आप लोगों को सेवन करना है। तो लाइव कार्यक्रम है, आप लोग सीधा हकीम साहब से बात कर सकते हैं, कोई भी आप रोग संबंधी प्रश्न कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ। क्या नाम है? हाँ, मेरा वाइफ के बारे में पूछेंगे, चंदा देवी। तो जी घुटना में दर्द है। हाँ हाँ बोलिए। घुटना में थोड़ा दर्द है, घुटना में दर्द है। ठीक है। कितनी एज है देवी जी की? कितनी उम्र है बताइए आपने? 50 साल। 50 साल सर। 50 साल। ठीक है। तो देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा जो बहुत कामयाब है, और मैंने जिसको भी बताया उसने अगर अमल किया मेरी बात पर तो उसको फ़ायदा मुमकिन है। देखिए एक तो हर घर में ऐसा बूढ़ा आदमी होता है मेरी तरह, तो ये जोड़ों के दर्द का मरीज होता है अक्सर, तो हमारे घरों में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। और गौंद स्याह, एक गौंद का नाम है जिसे काला गौंद भी कहते हैं, कड़वा जायके में होता है, मिलता मुश्किल से है और अक्सर नकली भी मिल जाता है, तो असली ख़रीद लें और 0.5 ग्राम देवी जी को खिलाएं
तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। खाने के बाद आधा आधा ग्राम, बस दो बार, आधा ग्राम से कम ही खिलाएं, ज़्यादा ना खिलाएं, क्योंकि काफ़ी तेज़ होता है ये, और बगैर चर्बी के दूध से भी खिला सकते हैं, पानी से भी खिला सकते हैं, और आप रईस हैं तो जूस से भी खिला सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जब बात की जाती है अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसकी 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग लाइव उनसे बात करना चाहते हैं, बेहतरीन नुस्खे जानना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। Hello? जी विजय जी, सवाल करिए अपना। हाँ मैडम, मैं अपनी माँ के लिए बात कर रहा हूँ। बोलिए। कि मेरी माँ को जो धूप में निकलती है ना, तो उसका समूचा शरीर में खुजली हो जाता है, हाँ? और उनकी जैसा होता है, बहुत खुजली होता है और सहन नहीं कर सकती है। खुजली के चलते चमड़ा उठ गया है और सादा हो गया है, जिसे सादा कोड नहीं होता है, उसी तरह से उसको तकलीफ हो रहा है। खुजली होता जी बहुत ज्यादा धूप में जब जब निकलती हैं। ठीक है, देखिए जब वो खाना बना करे आपके घर में, तो उस खाने में नमक डालते हैं आप, जितना भी डाला करें, लेकिन आधा चम्मच खाने का सोडा भी मिलाया करें, इससे उनको बहुत फायदा मुमकिन है। या सब लोग उसे पसंद नहीं करें तो एक आधा चुटकी उनके जो उनके सामने बॉल आता है खाने का, उसमें मिला दें। एक तो ये तरीका है, और एक गौन मोरिंगा आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर उन्हें पिलाया करें, उनकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी हिमाचल से हैं मोहन लाल जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। मैं लग नहीं रहा, आज फोन लगा है। चलिए जल्दी से अपना सवाल करिए। ऐसे कि दो एक महीने से मेरे पैरों में वो निकलती है आग, गर्म गर्म हो जाती रात को पैर। तो मैं आपके हिसाब से यही चाहता हूँ कि मेरे कोई ऐसी देसी दवाई बताए जो मैं यहाँ बना के खा लूँ। ठीक है। और देखिए देसी दवाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप बना भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले हिदायत यह है कि आप ज़मीन में ना बैठा करें और वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करें। ये कुर्सी वाला जो बाथरूम होता है, हम इसे कहते हैं मगरबी तहजीब का टॉयलेट, तो ये आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, तभी आप ठीक होंगे। एक कॉल आई थी, दरअसल उनको फ़ायदा नहीं था, तो जब से मैं बहुत ज़्यादा सबको प्रेस करने लगा कि वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर लगवाएं जिनके भी घुटनों में या कमर में तकलीफ है। अच्छा देखिए एक नुस्खा है, अलसी 500 ग्राम खरीद कर हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें अलसी, और इसमें गोंद स्याह आता है, काला गोंद होता है, और जायके में बड़ा कड़वा होता है और फ़ायदे में बहुत अच्छा है। 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद लें और इसमें 100 ग्राम मिला दें अलसी के पाउडर में। ये रॉ मटेरियल ही लेना, और नकली मत लेना, बहुत नकली मिलता है, कड़वा होता है जायके में। फिर इस अलसी को मिलाकर आप जब रखेंगे तो एक एक ग्राम सुबह दोपहर शाम खाने के पश्चात दिया करें, तो ये मटेरियल जो मैंने आपको बताया है ये ख़त्म होने से पहले आपका दर्द ठीक होना मुमकिन है। कर्नाटक से नावेद हमारे साथ, स्वागत है नावेद आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वाले सलाम। मैं पिछली दफ़ा बात कर रहा था, मेरे को नुस्खा समझ में नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ। मेरे तीन सवाल हैं। पहला सवाल मेरा, कौन से ज्यादा वजन है वो कम करना है। तीसरा सवाल है मेरा, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। तीसरा सवाल मेरा है, घुटनों के नीचे मेरे बैठ के काला हो रहा है। ठीक है। एज बता दीजिए आप। मेरी एज 56 है। 56। अच्छा। हाँ देखिए एक नुस्खा बताऊंगा और उससे आपके सारे काम होंगे, वो कालापन जो आपको हो रहा है और
वाइट डिस्चार्ज और क्या बताया था इन्होंने, वजन कम करना ठीक। एक नमक आता है, इसे जैतून का नमक कहते हैं, जैतून का नमक। ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और गर्म पानी में आधा ग्राम मिलाएं और सुबह को पी लिया करें, और यही अमल आप शाम को करें। इससे आपको तीनों फायदे होने मुमकिन हैं। और पैदल भी चला करिए, एक घंटा पैदल चलना भी ज़रूरी है, धूप में चला करें, और नहीं चल सकते तो धूप में खाली बैठ जाएं। जो लोग नहीं चल सकते, ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे, तो धूप में बैठा करें। ये धूप बहुत कीमती है, कुदरत का एक तोहफा है हम सब के लिए। और गर्म पानी पिया करें 5 बार, ये भी ज़रूरी है। और आप जितने खाना खाते हैं उससे आधा कर दीजिए, सुबह जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खा लिया करिए, आप देखेंगे इतनी एनर्जी रहेगी। हम अगर 4 रोटी खाते हैं, हमारी खुराक 2 ही रोटी होनी चाहिए, और वो 2 रोटी में इतनी एनर्जी होती है, और जब हम 4 रोटी खा लेते हैं तो यही हमारे लिए बोझ बन जाता है, इसको हज़म करना मुश्किल हो जाता है। हज़म हो जाए तो चर्बी बढ़ जाती है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो 2-2 रोटी खाया करिए सुबह शाम, आप ये अमल करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, जम्मू से लाइफ चौधरी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी मैम, मेरे को ना कब्ज और गैस की प्रॉब्लम है। हाँ मैम, और जब कब्ज और गैस होती है, मतलब छाती में पेन होती है और बैक साइड को पेन जाती है। जी, एज बता दीजिए अपनी। सर 26। देखिए काफ़ी उम्र कम है और आपको ये परेशानी है, आपके लिए आप बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। 5 बार गर्म पानी पिया करें, और अपनी मम्मी से कहिए कि खाने में या जो भी घर में खाना बनाने के जिम्मेदार हैं, अदरक बहुत सारी, इतनी सारी डाला करें, और लहसुन भी, तो इसी से आप ठीक हो सकते हैं। फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें घरेलू नुस्खे की ज़रूरत होगी। तो एक नमक आता है जैतून का नमक, वो ले लें जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और आधा ग्राम पानी में मिलाएं और पी लिया करें। ये नमक जैसा होता है लेकिन नमक नहीं होता, ये होता है एस्टेक, यानी रसायन होता है जैतून का। इसको आप इस्तेमाल करेंगे आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, तब भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है MP से, लक्ष्मी हमारे साथ, स्वागत है लक्ष्मी जी। मैम, हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। जी मेरे सर को, मेरे पति को शुगर की बीमारी हो गई है मैम। कौन सी बीमारी? शुगर। शुगर हो गई है मैम। जी। तो उनकी बीमारी मतलब बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, सारी दवाइयाँ खा ली उनने। तो उनकी मतलब कंट्रोल नहीं हो रही है, और वो बहुत दुबले हो गए हैं, मतलब यही में शुगर ही शुगर में। कितनी उम्र है पति देव की आपके? उनकी उम्र है 30-35 साल हैगी सर। तो देखिए दवाएं तो खाते रहें जो भी डॉक्टर ने दी हैं, और परहेज भी करें। शुगर वेट भी कम कर देती है, कमज़ोर भी करती है, लेकिन जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, दवा खाते हैं और वो ही चाहते हैं कि ज़िंदगी गुजरे सेहत के साथ, तो रात में 3 चम्मच जैतून का सिरका पानी मिलाकर पिया करें, उनकी सेहत भी अच्छी होगी और उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी और सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं MP से ही, रघुबीर जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी बोलिए। जी शुगर की प्रॉब्लम है। कब से? 2-3 साल, 2-1 साल हो गए। एज क्या है आपकी? 45। ठीक है। देखिए रघुबीर जी, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर वक्त नुकसान पहुंचाती है, और उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं शुगर वाली दवाएं, वो भी रोज़ नुकसान पहुंचाती हैं। जो भी हम दवाएं खाते हैं वो
हमारी किडनी और लीवर, आंतें, आँखें और दिल को कहीं ना कहीं रोज़ाना थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन उन दवाओं से अच्छी कोई दवा भी नहीं है, इसलिए एक दवा, एक रॉ मटेरियल मैं आपको बताता हूँ कि उन दवाओं के नुकसानात आपकी बॉडी को ना हो और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। इसके लिए आपको जैतून का सिरका हासिल करना चाहिए, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, पानी में डालकर, काफ़ी तेज़ होता है, पानी में मिलाकर छोटे चाय के चम्मच 3 चम्मच आप पिया करें, आप हमेशा हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं।